कुछ नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 और अभी आप देख सकते हैं हम लोग सुबह सुबह कहीं निकल रहे हैं। आप सबके लिए सरप्राइज है। और यहाँ पे जेंट्स कोई नहीं है, एक छोटा बच्चा है मेल मेंबर में, मेल मेंबर में, बाकी सब हम लेडीज हैं। जैसा आप देख सकते हैं ड्राइव भी लेडी कर रही है। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग जा रहे हैं पटना के इस्कॉन मंदिर में अर्ली मॉर्निंग जो मंगला आरती होती है उसको देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। काफी टाइम से मन हो रहा था तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, पोछा लग रहा है रोड का, पटना भी काफी साफ रहने लग गया है। अरे सही में पोछा लग रहा है। हाँ तो राजमंदिर है भाई। कल अचानक हम लोगों का मन हुआ कि चलो घूम के आते हैं, काफ़ी टाइम से मन हो रहा था, तो लेट नाइट हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और आज सुबह सुबह निकल गए हैं। और ये सामने रोड देखिए कितना शांत है। अभी दिन में गाड़ी चलाना इतना मुश्किल होता है यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से, मतलब हम तो सोच नहीं सकते। और अभी एकदम शांत है, आप लोगों को थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है? लेकिन तो ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल और देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में ये कैसा दिख रहा है। काफी शांति है, अभी दिन में तो इतना रश होता है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, और अभी सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा शांति है। मंगला आरती में बहुत कम ही लोग आते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। अगर आपको मौका मिले तो एक बार मंगला आरती जरूर देखिएगा। तो ये अंदर से मतलब बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, और एक बार हम लोग पिछले साल भी आए थे तब ये नया नया बन रहा था। और अब तो काफ़ी सारी दुकानें खुल गई हैं, अभी सुबह का टाइम है तो सारी दुकानें खुली नहीं हैं, और एक दो खुली हैं शायद, तो वो भी अभी दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो वापसी में मैं दिखाती हूँ। और अभी चलो अंदर चलते हैं। और आरती के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी, सूर्योदय भी हो चुका था, तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठे। बहुत ही ज़्यादा शांत लग रहा था यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग भी थे जो अपना एकांत में बैठ के माला का जप कर रहे थे। हम लोगों ने भी बैठ के साइलेंसली ही थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी की। और ये देख सकते हैं नीचे ऐसा है, दुकानें जो खुल गई हैं वो हैं यहाँ पे, तुलसी माला, ये व्रत के सामान जो होते हैं वो, और हर्बल काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके भी दुकान है मंदिर के अंदर में भी। और मंदिर के बाहर एक दो मिठाई की दुकानें हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें। एक चीज़ तो है, यहाँ आके बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, मतलब माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो आते वक्त तो बहुत बहुत ज़्यादा शांत था, अंधेरा अंधेरा था, अब उजाला हो चुका है। और रास्ते पे फिर भी अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अब हम लोग अपने घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।